मिस्टर सनविक्रम, मेरा सवाल। किसी नगर में कोई वासु और उसकी पत्नी रहा करते थे। वे संतान न होने की वजह से परेशान थे। वासु की पत्नी को एक सिद्ध स्वामी जी के बारे में पता चलता है। वह अपनी समस्या लेकर उनके पास जाती है। समस्या सुनने के बाद स्वामी जी उसे एक अनाथ देते हुए कहते हैं, इसे तुम्हें कल ब्रह्म मुहूर्त में खा लेना है। अगले दिन वह स्वामी द्वारा बताए ब्रह्म मुहूर्त में नहीं खा पाती है। वह दूसरे समय पर खा लेती है। समय बीतने पर वासु की पत्नी एक पुत्र को जन्म देती है। देखने में वह एक राक्षस जैसा प्रतीत होता है। नगर के सभी लोग उसे मार डालने को कहते हैं। वासु की पत्नी को स्वामी जी का ख्याल आता है। वह उनके पास जाकर अपने पुत्र की दशा बताती है। तुमने मेरे दिए उस अनार को समय पर नहीं खाया। जी स्वामी जी, लेकिन मेरा पुत्र अब ठीक कैसे होगा? जो भी इंसान तुम्हारे पुत्र को अपनी गोद में उठाएगा वह पुत्र ठीक हो जाएगा। नगर के लोग तो मेरे पुत्र को मार डालने को कह रहे हैं। नहीं, अभी उसकी मृत्यु का समय नहीं आया है। तो स्वामी जी, मेरे पुत्र को कौन मारेगा? जो तुम्हारे पुत्र को ठीक करेगा वही तुम्हारे पुत्र को मारेगा। घर लौटने पर सभी लोग वासु के पुत्र को अपनी अपनी गोद में उठाते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। कुछ दिनों बाद उस पुत्र के दो हाथ और निकल आते हैं। यह देखकर दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं। एक दिन वासु की पत्नी का छोटा भाई सुरेश आता है। सुरेश के गोद में लेते ही पुत्र एकदम ठीक हो जाता है। मतलब मेरा छोटा भाई ही मेरे पुत्र को मारेगा? सुरेश की बहन अपने भाई से पुत्र को न मारने के लिए वचन मांगती है, लेकिन सुरेश मना करते हुए कहता है, जो होना होगा वह होकर रहेगा। विक्रम, इस पूरी कहानी में गलत क्या हुआ था? तो सुन बेताल, जब स्वामी जी वासु की पत्नी को उसके पुत्र को ठीक होने का समाधान बताते हैं, तब वह कहती है, मेरे पुत्र को तो नगर के लोग मार डालने को कह रहे हैं। तब स्वामी जी कहते हैं, अभी उसकी मृत्यु का समय नहीं आया है। स्वामी जी, मेरे पुत्र को कौन मारेगा? इतना सुनकर वासु की पत्नी को वहीं चुप हो जाना था। यह सवाल पूछना ही गलत था। वासु की पत्नी ने स्वामी जी से अपने ही पुत्र की मृत्यु का रहस्य पूछ लिया। एक माँ होकर ऐसा सवाल अपने पुत्र के लिए पूछना गलत था। अब वह अपने संतान प्राप्ति की खुशी मनाए या उसके मृत्यु होने का जीवन भर दुख मनाए? इसलिए कुछ रहस्य रहस्य ही रहे तो अच्छा होता है। सही जवाब विक्रम, लेकिन तू बोला मैं चला। सन विक्रम, मेरा सवाल। एक बार दो राज्यों के महाराजाओं के बीच एक भीषण युद्ध हुआ, जिनमें दोनों ओर के कई सैनिक मारे गए और बहुत से घायल भी हुए। महाराजा के राज्य में एक ऐसा वैद्य भी था जिसकी खास दवा से कोई भी घायल इंसान मरने की हालत में भी क्यों ना हो ठीक हो जाता था। युद्ध के बाद एक खास सैनिक मरने की हालत में था, जिसे वह वैद्य अपनी दवा लगाकर कहते हैं, तुम अब ठीक हो जाओगे। यह कहकर वे चले जाते हैं। महल में सभी सैनिक, महाराजा और मंत्री यही बात करते हैं, लगता है वह सैनिक अब नहीं बच सकता। इसलिए वैद्य ने उस सैनिक को बचाने की ज्यादा कोशिश नहीं की। यह बात उस घायल सैनिक के मन में भी चल रही होती है कि मैं अब नहीं बच पाऊंगा। रातों रात वह सैनिक मर जाता है। अगले दिन महाराजा वैद्य से कहते हैं, वह सैनिक तुम्हारी लापरवाही से मर गया। अगर अब कोई सैनिक मरता है तो तुम्हें दंड दिया जाएगा। यह सुनकर वह वैद्य हर सैनिक की अच्छे से मलम पट्टी करते हैं और वे ठीक भी हो जाते हैं। महाराज, दंड मिलने के डर से उस वैद्य ने सभी सैनिकों का उपचार अच्छे से किया। सभी सैनिकों के उपचार के बाद महाराजा उसे दंड स्वरूप मृत्यु की सजा दे देते हैं। तो बता विक्रम, क्या महाराजा ने उस वैद्य के साथ सही किया? क्या वह वैद्य लापरवाह था? तो सुन बेताल, युद्ध में घायल सैनिकों के उपचार के लिए वैद्य ने पहले ही दवा बना ली थी और उन्होंने उस घायल सैनिक को समय पर दवा भी लगा दी थी। वे जानते थे कि वह सैनिक पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, लेकिन वह सैनिक मर जाता है। अगले दिन महाराज द्वारा दंड देने की बात से वैद्य ने सभी सैनिकों का उपचार दिखावे के साथ किया। यह देखकर सभी सैनिकों को विश्वास हो गया कि वे अब ठीक हो जाएंगे, और वे ठीक भी हो गए। उस वैद्य ने सभी सैनिकों का उपचार एक जैसा किया था। उस घायल सैनिक की मृत्यु वैद्य की लापरवाही से नहीं, बल्कि उस सैनिक की सोच और आसपास के वातावरण से हुई थी, जो उसे विश्वास दिलाते रहे कि वह सैनिक अब नहीं बचेगा। इसलिए महाराजा ने उसे सजा देकर गलत किया। वे वैद्य जी लापरवाह नहीं थे। सही जवाब विक्रम।